नमस्कार, मैं हूं धनश्री, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नरेला विधानसभा के ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण किया। सारंग ने नालों की सफाई मैनुअल और मशीन के द्वारा करने के दिए निर्देश, साथ ही बड़े नालों के पास रेम बना रहे उनके आसपास सौंदर्यीकरण के निर्देश भी दिए। बरसात से पूर्व नालों की साफ सफाई को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपनी विधानसभा क्षेत्र नरेला में ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण किया। सारंग ने नालों की सफाई मैनुअल और मशीन के द्वारा करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही बड़े नालों के पास रेम बनाने उनके आसपास सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बरसात के पहले नाले नालियों की सफाई का अभियान नगर निगम शुरू करता है। सारंग ने कहा कि इस बार नालों की सफाई से जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी। अमृत योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि भोपाल में सभी स्थानों पर आदर्श ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए। सारंग ने कहा कि आदर्श ड्रेनेज सिस्टम के बनने से विगत 5 वर्षों से नरेला में जल भराव की स्थिति नहीं बनी है। निरीक्षण के दौरान नगर निगम कमिश्नर KVS चौधरी भी रहे मौजूद। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। संभव है, नगर निगम बहुत इफिशियंट है, नगर निगम के पास अमला भी है, गाड़ियां भी हैं और कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। बरसात के पहले समस्त नालों का की सफाई होगी और समुचित रूप से होगी। जहाँ तक रोड की स्थिति है तो जो भी खराब सड़कें हैं उसका भी सर्वे हो चुका है, उनका भी संधारण तेजी से शुरू हो चुका है। क्योंकि CPA अब नहीं है तो CPA की जो सड़कें नगर निगम को मिली हैं या PWD को जिनको मिली हैं, वो भी अपने अपने स्तर पर समस्त सड़कों के संधारण की, उनके मेंटेनेंस की व्यवस्था कर रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बरसात के पहले समस्त स्थितियों पर नियंत्रण किया जाएगा। नगर निगम भोपाल का बरसात के पहले समस्त नाले नालियों की सफाई का अभियान की शुरुआत हुई है। नगर निगम एक कैलेंडर के हिसाब से साल भर में बरसात के पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी तरह से नाले नालियों की समुचित सफाई हो, और उसके अभियान की शुरुआत हुई है। आज मैंने नगर निगम कमिश्नर KVS जी के साथ इसका दौरा किया और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर नाले की सफाई हो, चाहे मैनुअल हो या मशीन के द्वारा, छोटी नालियों की भी नीचे तक की सफाई हो सके, जिसमें किसी भी तरह की बरसात में नाले नालियों में भराव की स्थिति ना आए। आज ये भी सुनिश्चित किया है कि जो बड़े नाले हैं उसमें समय समय पर JCB और पोखलेन मशीन के द्वारा सफाई करानी होती है, तो समस्त नालों में रैंप बनाया जाएगा जिससे उसकी बाउंड्री वॉल या रेलिंग को तोड़ने की जरूरत ना पड़े। नालों के आसपास के ब्यूटिफिकेशन के भी निर्देश दिए हैं। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि नाले के आसपास जो फुटपाथ हैं उनका ब्यूटिफिकेशन किया जाए। नालों की सफाई से निश्चित रूप से आने वाली बरसात में बहुत फायदा मिलेगा, किसी भी तरह पानी का भराव ना हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। विगत 5 वर्षों में भोपाल में अमृत योजना के माध्यम से, जो केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया गया है कि भोपाल शहर के सभी स्थानों पर आदर्श ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना की जाए। नरेला विधानसभा में हमने इसको मूर्त रूप भी दिया है और इसीलिए नरेला विधानसभा, जो भोपाल की यदि हम भौगोलिक स्थिति देखें तो सबसे निचला एरिया है, पर विगत 5 वर्षों से यहाँ पर बारिश में कहीं भी बाढ़ की स्थिति नहीं आई। उसका कारण हमारे नाले नालियों का चैनलाइजेशन है और हमारा आदर्श ड्रेनेज सिस्टम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद दूंगा, शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अमृत योजना के अलावा भी SDRF के माध्यम से भी सरकार का पैसा ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।